हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी हैप्पी दीपावली। दोस्तों, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस दिन का लोग सालों भर से इंतज़ार करते हैं और खूब मेहनत करते हैं ताकि लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की आप पे कृपा हो जाए। मेरी वेल विशेष है कि सबकी माँ भगवती मेरी वेल विशेष है कि प्रत्येक प्राणी पे माँ लक्ष्मी और गणेश पापा का, गणपति पापा का कृपा बरसे, सबका मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, हमारे यहाँ बिहारी स्टाइल में गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को क्या क्या भोग लगता है, क्या क्या बनता है, किस प्रकार रिझाने की कोशिश करते हैं हम लोग और किन किन पकवानों के द्वारा उनका हम स्वागत करते हैं। वैसे तो जितना भी पकवान आप बनाए कम ही है और हम में क्या सामर्थ्य है जो हम भगवान को अर्पण कर सके। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और हम उन्हीं को देते हैं। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं दोस्तों, फिर भी जितनी सार्थकता होती है उस हिसाब से हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी को मनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आज चलिए मैं बताती हूँ कि हमारे बिहारी स्टाइल में किस तरह से भगवान को रिझाया जाता है। गणेश जी को रिझाने वाली थाली किन किन पकवानों के साथ रिझाया जाता है पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। वैसे तो 56 भोग लगाया जाता है लेकिन जितना मुझे हो सका, सुबह से बहुत बिजी थी, जितना बन सका माँ भगवती को मनाने के रिझाने के लिए पकवान बनाए हैं। अगर आपको इसमें से जो मैंने बनाया है माँ भगवती और गणेश जी के लिए जो पसंद आ जाए कुछ भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका फेवरेट क्या है और आप माँ भगवती को प्रेम से क्या समर्पण करना चाहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ले लीजिए दोस्तों, बिहारी स्टाइल की थाली आपके सामने सज के तैयार हो गई। मैं एक एक करके दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए प्लीज दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नए हो तो मेरे चैनल को ऐसे ही प्यारी रेसिपी के लिए, भक्ति भाव थाली के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं एक एक जितनी भी हमारे साल वर्ष की पूजा आती है सारा आपसे प्लेट श्रद्धापूर्ण थाली शेयर करते जाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मखाना तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। साथ ही साथ ये माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, तो ये चटपटा सा ना का रायता बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पे मूंग दाल की तड़का मार के सिंपल सी दाल बनाई है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एकदम जबरदस्त दिखने वाली, एकदम माँ को बहुत प्रेम भाव से आज मैंने थाली बनाया है। ये मटर पनीर की सब्जी है, बहुत सात्विक तरीके से प्रसाद बनाया है और आज जो दीपावली में जो भी भोग लगता है बहुत सात्विक तरीके से बनता है और श्रद्धापूर्ण बनता है। तो यहाँ पे मटर पनीर की सब्जी है, साथ ही साथ यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी है और यहाँ पे भिंडी की भुजिया है दोस्तों। बहुत ही सिंपल और सस्ती थाली मैंने तैयार की है और मीठे में तो खीर ये परम प्रिय है गणेश जी और लक्ष्मी जी को, तो इसको हम कैसे भूल सकते थे। तस्मय बनाया है, साथ ही साथ यहाँ पे काजू का पुलाव बनाया है दोस्तों। आज बहुत बिजी शेड्यूल था, आज माँ को रिझाने का पूरा प्रयत्न मैंने किया है दोस्तों। अगर आपको पसंद आ जाएगा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दीपावली पे। और दोस्तों, दाल के साथ ये हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट है। आप जो भी पकवान बनाते हैं वो ठीक है लेकिन दाल बनता ही बनता है हमारे साइड में, और प्लेन भात जिसे बोलते हैं चावल, ये ज़रूर बनता है। अड़वा चावल का बनता है या कूटा हुआ चावल, जो भी हो आप बना सकते हैं इसको आप लोग। ये हमारे यहाँ का मेन डिशेज है, इसको हम नहीं स्केप कर सकते, कितने भी पकवान बनाए लेकिन ये ज़रूर बनता है। पुलाव तो वैसे मैंने बनाया ही था लेकिन ये मेन डिशेज होता है तो इसे मैं ज़रूर बनाई हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अजवाइन मंगरेल और नमक दे के सिंपल सी पूड़ी बनाई है। और यहाँ पे ये भी हमारे यहाँ का परंपरा है, वो चावल और दाल, भात दाल तो बनता ही है, साथ ही साथ आप कितने पकवान बनाए जब तक ये ना हो पकवान में इतने प्रकार का
तड़ुआ पापड़ ना हो तब तक पूरा भोग अधूरा है। तो यहाँ पे पापड़ है आप देख सकते हो, और पांच प्रकार का तड़ुआ बनाया है, पांच प्रकार के पकौड़े बनाए हैं बहुत सात्विक तरीके से, केला के, लौकी के, आलू के, भिंडी के, जो भी वेजीज हमारे यहाँ अवेलेबल था उसे बनाया है। और जब तक माँ लक्ष्मी और गणेश जी का मुंह मीठा ना करे तो सारी जो थाली है वो अधूरी रह जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे पांच प्रकार के मिठाई है, तो ये भी हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी को भोग लगाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हो इन सारी मिठाइयों में आपको कौन सा पसंद आता है, कौन सा आपका फेवरेट है, मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और चीप और सस्ती सात्विक तरीके से माँ भगवती के लिए आज मैंने बहुत प्रेम और श्रद्धा पूर्वक ये सारी पकवान बनाए हैं। हमारा क्या सामर्थ्य जो हम भगवान को अर्पण कर सके, उन्हीं का दिया हुआ हम खाते हैं, पूरा संसार उन्हीं की कृपा दृष्टि से चलता है, तो भला फिर हम सेवा में कैसे चूक जाएं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये सिंपल सी सस्ती सी चीप रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और इन सब में से आपका क्या फेवरेट है, आपके वहाँ का क्या है, आप क्या चढ़ाते हो अनाज जो बना के भोग लगाते हैं, वहाँ आपके साइड में क्या बनाया जाता है, ये भी आप मुझे बताइएगा दोस्तों। तो हमारे यहाँ जितने प्रकार की होती है, जितना मुझसे हो सका, जितना सार्थक था उतना मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया दोस्तों। तो क्या हम सबको भी बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत ही प्यारी ये त्यौहार है जो हमारे चेहरे पे निराशा को दूर करके मुस्कान भर देता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों हम सालों से इस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और क्यों ना करें दोस्तों, क्योंकि ये त्यौहार है ही इतना प्यारा, बच्चे हो चाहे कोई भी हो इसे बहुत ही इंजॉय करते हैं भक्ति भाव में। दीपावली का त्यौहार निराशा को दूर करके आशा का त्यौहार है दोस्तों। असत्य पे सत्य की विजय होती है इस दिन, अधर्म पे धर्म का विजय होता है दोस्तों। इस दिन हमें अपने दिल से जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी इच्छाएं हैं, उनका त्याग करके हमें हमेशा सत्य मार्ग पे चलना चाहिए दोस्तों। चाहे कितना भी विषम परिस्थिति रहे, इस दिन हमें अपने दिल के रावण का अंत करके दिल में जो बसा राम है उसे जागृत करना चाहिए, और सदैव सदैव हमें सच का राह पकड़ना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम कितने भी बुरे काम करें दोस्तों, तो हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, इंसान से छुपा सकते हैं, लेकिन एक परमपिता परमेश्वर है जिससे कुछ भी नहीं छुपता, वो ऊपर बैठे सब देखता है और सबको किए का फल देता है दोस्तों। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरे का भला करें, अच्छे मार्ग पे चले, सत्य मार्ग से ही चल के धन का अर्जन करें दोस्तों। रावण का अर्थ है असत्य बोलना, हिंसा करना, झूठ बोलना, गलत मार्ग पे चलना, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच जो भी है उसका हमें त्याग करना चाहिए। और राम का अर्थ है प्रेम, स्नेह। तो दोस्तों आप सुखमय रहिए, सुखमय जीवन बिताइए, भगवान का आप पे सदैव कृपा बरसता रहे, और साथ ही साथ इस त्यौहार को आप धूमधाम से बनाइए, जोरों शोरों से बनाइए। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्रत्येक प्राणी में प्रेम भाव बना रहे, सबके साथ हमें मिलजुल के रहना है, सबके साथ चल के अपने समाज का, देश का, परिवार का, प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये सिंपल सी सस्ती सी सात्विक चीप थाली की रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर अच्छा लगा तो, और हो सके तो अपने वहाँ की थाली भी मुझसे कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो एक बार फिर मेरे पूरे परिवार के तरफ से आप सभी को तहे दिल से दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। खूब इंजॉय कीजिए, खूब उत्साह के साथ बनाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें लर्न कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें समाज को दे, अपने बच्चों को दे, ताकि हमारा देश, हमारा समाज, प्रत्येक प्राणी विकास कर सके दोस्तों। तो बार फिर पूरे दिल से हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली।